बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा आलू का पराठा, जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आटा, जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे घी। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है हमारे पराठे बहुत ही अच्छे मज़ेदार से बनेंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अब हम इनको नॉर्मल पानी से गूंथ लेंगे। जो हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से हम इसको गूंदेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा जो है रेडी हो गया। इसको हम कवर करके रख देंगे, इसको स्टेयर देंगे 15 से 20 मिनट तक। तो चलते हैं तब तक आलू की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जिसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया था, तकरीबन 1/2 किलो। आंच को हमने लो ही रखना है, लो आंच पर इनको हम थोड़ा सा पकाएँगे। इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लो आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और इनको ठंडा होने देंगे। हम इसको निकाल देंगे एक बाउल में और अब इनके ऊपर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो आप पराठों की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर मैं बड़ा सा पेड़ा लूँगी। पेड़ा आपने बड़ा ही लेना है, जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा इस तरह से थपथपाएंगे, हाँ इसी तरह से। और अब हम इसके ऊपर फिलिंग ऐड कर देंगे और इनको इस तरह से हम बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा ये पराठा है। आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है और अपनी फीडबैक भी देनी है। कोई मुश्किल भी नहीं, बहुत ही आसान से ये बन जाता है। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब तो स्कूल भी खोलने वाले हैं, तो इनको हम इस तरह से बंद कर देंगे और एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा हमारा रेडी हो गया। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे खुशका लगाकर। खुशका आपने अच्छा खासा लगाना है ताकि ये चिपके ना। तो रोटी हमारी हो गई रेडी। अब हम इसको तवे पे ऐड करेंगे। तवे पे मैंने कोई तेल वगैरह नहीं लगाया था, साइड पर रख देंगे। मीडियम आंच पर हमने ये पराठा बनाना है। अब हम इसके ऊपर घी ऐड करेंगे। घी से ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। साइड पर रख देंगे। Thank you.
देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया पराठे का, बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा ये बना है। थोड़ा सा और इसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे सॉरी। तो ये रेडी हो गया, अब हम इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हमारा आलू का पराठा बनके हो गया है रेडी। तो अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।